नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मोलेट प्रोजेक्शन का ग्रेटिकुल कैसे ड्रॉ किया जाता है ग्राफिकल मेथड के सहायता से। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ड्रॉ द ग्रेटिकुल ऑफ मोलेट प्रोजेक्शन विथ स्केल। स्केल कितना दिया हुआ है, 1:200 मिलियन एंड इंटरवल कितना है इसका, 30 डिग्री। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन रेडियस निकालना होगा, जो कि है रेडियस ऑफ द रिड्यूस आर्थ। इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द एक्चुअल आर्थ डिवाइडेड बाय गिवन स्केल। तो रेडियस ऑफ द एक्चुअल आर्ट कितना है, 635 मिलियन, और गिवन स्केल क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 मिलियन। तो 635 को 200 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद रेडियस कितना मिला हम लोगों को, 3.175। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, मोलर प्रोजेक्शन में क्या होता है, रेडियस ऑफ द सेंट्रल सर्कल जो कि 90 डिग्री ईस्ट एंड 90 डिग्री वेस्ट मेरिडियन कंप्लीट सर्कल होता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला कितना दिया हुआ है, आर रूट ओवर 2। तो R का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता है 3.175, इसको हम लोग रूट ओवर 2 से इंटू करेंगे। रूट ओवर 2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1.41। तो दोनों को इंटू करने के बाद कितना आया आंसर, 4.47 हम लोग को मिल चुका है, जो कि है रेडियस ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन। तो अभी हम लोग एक रेडियस के सहायता से सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो कि है 4.47। यहाँ पे देखिए ये हम लोग ले लिया और ये कंप्लीट एक सर्कल ड्रॉ किया रेडियस के सहायता से, जो कि हो गया 90 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री वेस्ट मेरिडियन। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल के बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे। ये हो गया लाइन सेंट्रल मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री हो गया, और यहाँ पे भी एक लाइन खींचेंगे बीचों बीच, ये हो गया इक्वेटर जो कि है 0 डिग्री। तो दोस्तों हम लोगों को क्या मिल चुका है अभी, 90 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री वेस्ट मेरिडियन, उसके बाद सेंट्रल मेरिडियन मिल चुका है, उसके बाद इक्वेटर। तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए, अदर पैरेलल्स और अदर मेरिडियंस। तो उसके लिए एक टेबल है, उस टेबल को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो टेबल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, लैटिट्यूड डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ लेटीट्यूड फ्रॉम इक्वेटर। तो यहाँ पे 15 डिग्री इंटरवल लिया हुआ है, तो 15 डिग्री इंटरवल के लिए कितना है, 0.290। अगर क्वेश्चन में 15 डिग्री रहता है तो आप लोगों को इसको लेना पड़ेगा, अगर 30 डिग्री रहता है तो इसको लेना पड़ेगा, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, और 15 डिग्री रहने से ये सब लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सबका अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, तो इन वैल्यू को क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, आर के साथ इंटू करना पड़ेगा। तो जो कि हम लोग का क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसलिए मैं 30 डिग्री लेता हूँ, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, 0.571 इंटू आर से करेंगे, आर का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता है 3.175, इंटू करने के बाद कितना आया, 1.81। 60 डिग्री के लिए यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, 1.077 इंटू आर, आर का वैल्यू 3.175, इंटू करने के बाद कितना आया, 3.41। 90 डिग्री के लिए कितना है, 1.414 इंटू आर, आर का वैल्यू है 3.175, दोनों को इंटू करने के बाद कितना आया, 4.48। तो अभी इस टेबल के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो 30 डिग्री के लिए यहाँ से स्केल को हम लोग इधर रखेंगे, देखिए सेंटर में, तो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री के लिए, 1.81। तो 1.81 में हम लोग तोड़ देंगे। तो 60 डिग्री के लिए कितना दिया हुआ है, 3.41, यहाँ पे एक दो देंगे। 90 डिग्री के लिए कितना दिया हुआ है, 4.48, ये हो गया 90 डिग्री। तो ऐसे ही सेम हम लोग नॉर्थ के तरफ करेंगे, यहाँ पे रहेगा स्केल कितना, 30 डिग्री के लिए 1.81 और 60 डिग्री के लिए 3.41, 90 डिग्री के लिए 4.48, ये हो गया डॉट। और इस डॉट के सहायता से हम लोग क्या करेंगे अभी, 30 डिग्री का एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ये लाइन एक खींचेंगे 30 डिग्री का, फिर उसके बाद 60 डिग्री का लाइन एक खींचेंगे, और जो कि ये है 90 डिग्री, फिर उसके बाद साउथ की तरफ सेम वैसे ही हम लोग 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, जो कि क्या हम लोग 90 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री वेस्ट के अंदर पैरेलल मिल चुका है। और अभी इस पैरेलल को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री तक ले जाना पड़ेगा। तो सेम
यहाँ पे स्केल को रखिए इक्वेटर में, तो कितना है यहाँ पे देखिए 4.5। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे इक्वेटर को, ठीक वैसे ही हम लोग इस तरफ भी करेंगे वेस्ट की तरफ, ये मेजरमेंट लेके वेस्ट की तरफ लाइन खींचेंगे, ये भी 180 डिग्री। जैसे हम लोग 0 डिग्री का लाइन खींचे 180 की तरफ, वैसे ही सेम 30 डिग्री के लिए भी करना पड़ेगा, 60 डिग्री के लिए भी करना पड़ेगा, नॉर्थ की तरफ भी सेम। तो हम लोगों को क्या मिल गया, 180 डिग्री तक मिला ईस्ट और 180 डिग्री तक वेस्ट मिल गया, पैरेलल मिल गया हम लोगों को। अभी हम लोगों को क्या चाहिए, मेरिडियंस। तो मेरिडियंस के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये टोटल पैरेलल 9 सेंटीमीटर आ गया। तो 9 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, 9 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ है, तो 9 सेंटीमीटर को हम लोग 180 की तरफ कितना मेरिडियन ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 0 to 180 डिग्री ईस्ट की तरफ और 0 to 180 डिग्री वेस्ट की तरफ, तो 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो कि इंटरवल हम लोगों का 30 डिग्री है, इसलिए 360 को 30 डिग्री से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद कितना आया वैल्यू, 12। तो 12 टोटल मेरिडियन हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके लिए 0 to 180 डिग्री तक 6 मेरिडियन ड्रॉ करना पड़ेगा और 0 to 180 डिग्री तक 6, तो 6 + 6 = 12 टोटल मेरिडियन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेजरमेंट लेके हम लोग कितना आया, 9। तो 9 डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि 180 की तरफ 6 ड्रॉ करना है, इसलिए डिवाइडेड बाय 6। तो 6 डिवाइड करने के बाद कितना आया, 1.5। तो 1.5 सेंटीमीटर हम लोग क्या करेंगे, दौड़ देंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से लेंगे 1.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हम लोग 180 की तरफ जाएंगे, तो ये डॉट बन गया। ठीक वैसे ही हम लोग वेस्ट की तरफ करेंगे 1.5। तो इस तरीके से 180 डिग्री ईस्ट की तरफ हो गया 6 मेरिडियन और वेस्ट की तरफ भी 6 मेरिडियन हो गया। तो सेम वैसे ही हम लोग 30 डिग्री में भी करेंगे। तो 30 डिग्री में करने से पहले हम लोग को ये मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो कितना दिया हुआ है, 8.3। तो 8.3 को हम लोग फिर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करने के बाद कितना आया, 1.4। तो फिर 1.4 ऐसे दौड़ देंगे 30 डिग्री पर लाइन पर। ऐसे ही सेम हम लोग 60 डिग्री में भी करेंगे। तो इस तरीके से डॉट हम लोग का बन जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो डॉट दिया हुआ था 30 डिग्री में 0 डिग्री में मेरिडियन के लिए, तो ये डॉट को सब हम लोग ऐसे जोड़ देंगे। और मोलॉइड में क्या होता है, मेरिडियन कर्व होता है, तो ऐसे ही हम लोग सेम जोड़ते जाएंगे। ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी बना हुआ है, 120 डिग्री का, 150 डिग्री का और 180 डिग्री, सेम ऐसे ही इस साइड में भी बनाएंगे। तो ये दोस्तों कंप्लीट मोलॉइड प्रोजेक्शन बन गया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।